आज तो 15 अगस्त है, कहीं तो चलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज है भाई 15 अगस्त, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, 75 इंडिपेंडेंस डे। तो भाई कॉलेज का जो प्रोग्राम था वो खत्म हो चुका है, उसके बाद हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे, यार ध्यानचंद का स्टैचू है, काफी पॉपुलर है झांसी में, तो चलते हैं। प्रोग्राम तो काफी मस्त था कॉलेज का, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यार कोविड के टाइम पे मोस्टली जो क्लास के स्टूडेंट थे वो यार घर पे हैं, बट कुछ यार साथ में दोस्त भाई लोग आ गए हैं, तो इनके साथ में यार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये जीतू सिंह और भाई मौर्य, अंकित मौर्य कहाँ गए? हाँ, तो ये अंकित मौर्य है। मिस्टर आशीष सिंह भाई ने यार होली वाली वीडियो में मस्त प्रमोशन करा था। चल झूठ। नेक्स्ट मिस्टर विशाल सिंह और भाई थैंक यू। और एक और बचा है प्रद्युमन सिंह। तो ये सारे बंदे हैं, साथ में चलते हैं यार। हम लोग ध्यानचंद के स्टैचू पर, काफी मजा आने वाला है, लेट्स गो। यार एक बहुत बड़ी समस्या रही कि यार मिष्ठान हम लोगों को मिला नहीं, कॉलेज में मिष्ठान खत्म हो गया। भाई को मिल गया यार, एक लड्डू की रिक्वेस्ट है भाई से, यार एक लड्डू मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, मेजर ध्यानचंद स्टैचू की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए, अगर आप सीपरी बाजार से सीधे आएंगे तो आपको जर्मनी हॉस्पिटल यहां पर मिल जाएगा, जहां से आपको स्टैचू के लिए जो रास्ता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग सीधे आगे बढ़ते हुए अभी चाय की एक दुकान पर रुकते हैं, वहां पर चाय का आनंद लेते हैं और उसके बाद चलेंगे स्टैचू की तरफ। चला चल रहा ही यूं ही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले। क्या बात है, आलू 20 का 1.5 किलो। जी भैया राजू जी मिले हैं, आलू बेचते हैं, काफी अच्छे स्वभाव के हैं। क्या नाम है राजू जी? राजू लायकवा। आलू क्या रेट है? 20 का 1.5 किलो। तो झांसी में आइएगा तो भाई आलू जरूर लीजिएगा इनसे, यहाँ पे पर्यटन स्थल के पास सफेद आलू एकदम। जी भाई बिल्कुल सफेद आलू मिलेगा राजू जी के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पर्यटन स्थल से आगे बढ़ते हुए उसी गली में हमें जाना है जहाँ पर हमें जीने दिख रहे हैं, तो उसकी तरफ हमें आगे जाना है और वहां पर हमें मिलेगा भाई ध्यानचंद जी का स्टैचू। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मित्रगण थोड़े आगे हैं, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं और अब काफी चढ़ाई आने वाली है। तो दोस्तों यहां से जीने दिखने स्टार्ट हो चुके हैं और वो यार टॉप पे स्टैचू है, आपको दिख रहा होगा। तो भाई यहां से जीने में चढ़ने हैं और वो टॉप पर जाना है। मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहां, रंग सा ये जहां, खो गए हम कहां, रंग सा ये जहां, टेढ़े मेरे रास्ते हैं जादुई मारते हैं, मैं भी हूं तू भी कि आप देख सकते हैं कि भाई ये झांसी में सबसे ऊंचे पर्वत पर बनी हुई है मेजर ध्यानचंद जी की मूर्ति, जो कि टॉप पर है झांसी के सबसे ऊंचे पर्वत पर। और आज यहां पर ध्वजारोहण भी हुआ है, जो कि यार एक गर्व की बात है। यहां से आप झांसी को देख सकते हैं पूरा, काफी बेहतरीन नजारा यहां पर नजर आता है हमें, और पूरी झांसी आप यहां से देख सकते हैं।
जड़त पर नहीं करैया डावड़ा मेरे पिता ने जुलम करया बर ढूंढा बावड़ा तड़े क पजामा पर ऊपर क कछा बोलन की सोदी को नालू का पठा और ये हम आ चुके हैं आसमां की ऊंचाइयों में। और भाई कैसा लग रहा है? अरे मौज आज आ रही कि नहीं आ रही यार? यार बहुत मौज कर रहे हैं हम तो, इतनी मौज है कि नीचे उतर तक फटेगी अपनी भी। तो भाई काफी ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा सा डर है भाई, सावधानी के साथ आना पड़ेगा। अगर आप जुड़ता इस जहां से तू एक दिन ये गुजर ही जाएगा, समेट ले यहाँ मुट्ठी से फिसल ही जाएगा। हम लोग भाई इतने टॉप पर आ चुके हैं कि वो मूर्ति भी जो है ना वो नहीं दिख रही यहाँ से, मतलब काफी ज्यादा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर एक ये झील है कोई, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद ट्रेन जा रही है कोई एक, और काफी टॉप पर है। थोड़ा सा रिस्की है लेकिन हम लोग आराम से आ रहे हैं धीमे धीमे। और यहाँ पर स्टेडियम है और पूरा झांसी आप देख सकते हो, मतलब भाई यार एक नंबर मजा है। हवा चल रही बहुत कर रही, हाल चलते हैं घर, काफी फन हो गया, मजा आ गया। और वही सीढ़ियों से ऊपर एक बार फिर से नीचे चलते हैं, और काफी काफी ज्यादा सीढ़ियां हैं, थक चुके हैं, फिर नाश्ता वास्ता करके फिर जाते हैं घर। कैसी खलाए दिल में बसी है, अब तो कहताए फितरत ही सी है। मैं ही हूँ वो जो रहमत से गिरा, वह खुदा।